हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। आज के एग्जाम एनालिसिस एंड रिव्यू में आपका स्वागत है। DSSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 44/21 LDC का जो एग्जाम आज यानी कि 2 अप्रैल 2022 को तीनों शिफ्ट में जो हुआ उस पर पूरी चर्चा करेंगे। और एक एक शिफ्ट का एनालिसिस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ अब, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से कल एग्जाम हुआ था उसी लेवल का एग्जाम है। क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, बट लेवल वही है। तो पूरे दिन का एक दिन में हम एक एनालिसिस और रिव्यू करेंगे ताकि आगे आने वाले जो दिन हैं और शिफ्ट्स हैं उनमें हेल्प हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब एक छोटा शॉर्ट रिव्यू, और सबके बाद मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सारे के सारे जो रिव्यूज़ आए हैं आप में कैंडिडेट्स अभी सबके ही आए हैं, तो उसका जो मैसेजेस उनके थ्रू आए डायरेक्ट वो दिखाऊंगा, क्योंकि ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहे कि मैं अपने आप से हवा में बोल रहा हूँ ये बातें, तो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। बट शॉर्ट रिव्यू मेरी तरफ से जो रहेगा, जो बातें सुनी है, बातें करी मैंने जितने भी कैंडिडेट से बातें हुई उनसे, ये समझ में आ रहा है कि इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग इजी आ रही है। ठीक है, कुछ एक ने कहा कि रीजनिंग में हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी सब कुछ डुएबल है, बहुत इजी आ रहा है। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, दो दो आज भी दो दो पैसे जाए, इंग्लिश में भी 2 पैसे जाए, हिंदी में भी 2 पैसे जाए, और जितना हमारे अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं 2019 वाला DSSSB का LDC का पेपर है उसको ना देखें, जो रिसेंटली अभी हमारे फरवरी में मार्च में जो एग्जाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा लेवल आ रहा है। हाई नहीं आ रहा, इजी आ रहा है। और मैथ्स और जीके की बात करते हैं, तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जैसे कल मैंने बताया कि एक सेक्शन आसान आ रहा है, एक थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, तो आज भी वही कहने को मिल रहा है कि भाई 15 से 17 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आ रहे हैं, और बाकी के कुछ जो क्वेश्चन है 20-25 क्वेश्चन जो बचते हैं वो थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, वो थोड़े हमारे SI CI के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ भी पूछ ली है DSSSB ने, उस हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। सारा टाइम का जो खेल है वो मैथ्स की तरफ से हो रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है वो मैथ्स में लग रहा है, बाकी उसी वजह से हिंदी में नहीं पहुँच पा रहे हैं, हिंदी के आखिरी के 10 से 15 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स के 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ने भी पड़े तो उसमें झिझकिएगा नहीं, आप हिंदी में सारे अटेम्प्ट करेंगे वो बेटर रहेगा। रही बात जीके की, तो जीके में भाई सीधी सीधी बात है, करंट अफेयर्स तो 2021 की आ रहे हैं, करंट अफेयर्स 2021 की आ रहे हैं, बाकी जो भी जीके आ रहा है वो सिमिलर लेवल का आ रहा है जो भी रिसेंटली आया गया है एग्जाम में। दूसरी बात, जैसे कल फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो आज फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आया, आज बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो साइंस में इस तरीके का वेरिएशन आ रहा है कि एक दिन फिजिक्स के ज़्यादा, एक दिन बायो के ज़्यादा। तो कल जो पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, आज भी उसी तरीके से पॉलिटी के ज़्यादा ही क्वेश्चन रहे, अपने जो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा रहे, पॉलिटी यहाँ पे ज़्यादा फोकस करके पूछी जा रही है। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को पहले ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स भी पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस कि भाई किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब लेके चलता हूँ आप लोगों के बच्चों के यानी कि कैंडिडेट्स के क्या क्या रिप्लाइज आए, क्या क्या हमारे रिव्यूज़ आए। तो सबसे पहले जैसे बात करें कि लिटरेसी रेट पे, यानी कि 2011 की सेंसस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2011 की सेंसस पे क्वेश्चन आया है कि मेल और फीमेल की जो वो है रेशियो थी, जो मेल और फीमेल की रेशियो है, लिटरेसी रेट में डिफरेंस कितना है मेल और फीमेल में। तो ये सारा 2011 की, जो अब आगे आने वाले एग्जाम है उसमें एक बार सेंसस 2011 के, जो अभी उसके बाद तो सेंसस हुआ नहीं है, तो सेंसस की चीजें डिटेल में पढ़ के जरूर जाना। दादर नागर हवेली में कितने विलेजेस थे, ये एक क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, कर्क रेखा कहां से, किस राज्य से, तो बहुत ज्योग्राफी का फेमस क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कहां से गुजरती है कर्क रेखा, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, वही अपना जो आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है उस पर अपना क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी अपना देखा हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई अटपटा क्वेश्चन नहीं है। उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है, न्यायाधीश कौन अपॉइंट करता है, देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, कौन अपॉइंट करता है, इसका आंसर सभी लोग करेंगे, कमेंट में करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, DPSP पे यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर क्वेश्चन था, एक आर्टिकल 15 पे क्वेश्चन था, तो आर्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे क्या रहा, रीजनिंग डुएबल थी, सेम पैटर्न था, सीरीज के 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, इंग्लिश में 2 पैसे थे, हिंदी में भी 2 पैसे थे, वही बात जो मैंने कही है, मैथ्स में कुछ टाइम कंज्यूमिंग थे,
जो क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि मैथ्स में टाइम कंज्यूमिंग थे, क्यूबॉइड से एक क्वेश्चन था, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन के आप लोग फॉर्मूला कर लीजिए, और मैंने मेंसुरेशन की एक रिवीजन वीडियो भी अपलोड करी हुई है, उसको सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगी, TSSB के पूछे हुए क्वेश्चन उसमें करवाए हुए हैं, ठीक है। क्यूबॉइड की साइड प्रोपोर्शन दे रखी थी, जो भी दे रखी थी उसका टोटल सरफेस एरिया बताना था, डायगनल निकालना था, डायगनल की क्यूबॉइड का डायगनल, सबसे लंबी छड़ी क्यूबॉइड में कौन सी होती है, वो होता है किसी गांव की पॉपुलेशन हर साल, मतलब इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन हमने करा था कि भाई हर साल किसी चीज की डेप्रिशिएट हो जाता है, कम हो जाता है, ये उसका उल्टा था कि ये 25% इंक्रीज हो जाती है, तो करंट पॉपुलेशन दे रखी थी, सेकेंड और थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछा हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगना था तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। CISI का सेकेंड ईयर का डिफरेंस, ये आपको याद करवा रखे हैं फॉर्मूले, 2 साल के 3 साल के डिफरेंस की याद करवा रखे हैं, और 5% रेट था तो प्रिंसिपल पूछ रखा था। अच्छा यहाँ पे ये जो आप लोगों को क्या दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, निकालना नहीं था, बट वो फॉर्मूला यूज करके आप इससे प्रिंसिपल निकाल सकते थे। एक क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, इंग्लिश बहुत ईजी थी, बहुत ईजी, इस विद्यार्थी ने, इस कैंडिडेट ने कहा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी थी, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन 10 से, अच्छा देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ये नए क्वेश्चन आया है इस तरीके का, बोला गया 10 से क्वेश्चन थे जिसको आपको टेंस को कन्वर्ट करना था, यानी कि कोई सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया इसका पास्ट परफेक्ट बताओ, यानी कि कोई प्रेजेंट में दे दिया पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था, कोई कॉन्टिन्यूस में दे दिया उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना था, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो आप लोगों को टेंस जो कि एक ईजी टॉपिक है वो रिवाइज करके जाना है। हिंदी बहुत ईजी थी, हिंदी भी ईजी थी, सेंटेंस दे रखे थे और सही सेंटेंस या फिर वचन बताना था, ठीक है, वही जो शुद्ध वाक्य की पहचान करना था वो बता रखा था। इको के 3 क्वेश्चन थे भाई, 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, यहाँ पे आज बोला गया कि रीजनिंग में इनइक्वालिटी आ रही है भाई। इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, पी ग्रेटर देन क्यू इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस टी, अब आप लोगों को पूछ लिया जाता है क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस, ये बताओ ये ट्रू है या नहीं। इनइक्वालिटी मैंने करवा रखी है, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो ये आप लोग जाके देख सकते हैं। इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन थे, किसी ने मेरे को बोला था 4 भी क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के पूछे गए थे। सिलोजिज्म के सिंपल क्वेश्चन थे, अकॉर्डिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, एनालॉजी से क्वेश्चन था, फिगर, ये तो बहुत बेसिक जो चीजें हैं, ये जो बॉडमास यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से था, सीटिंग अरेंजमेंट 2-3 क्वेश्चन थे, साइंस को अरेंज करना, बहुत बेसिक से अपनी रीजनिंग थी। मुझे एक ने नहीं, बहुत सारे साथियों ने कहा है कि हमारे 38+ बन जाएंगे रीजनिंग की आपकी पूरी प्लेलिस्ट और प्रैक्टिस सेट देख के, तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भरोसा दिखाया था तो उनको बहुत बहुत फायदा हुआ, तो आप लोग भी जिनके बाद में एग्जाम है देख सकते हैं। आगे चलते हैं, जीके सेक्शन में क्या था भाई, जीको में इको भी कवर करी गई थी, साइंस के बायो के क्वेश्चन पूछे गए थे जैसा मैंने आपको बताया, एंड लिटरेसी रेट पे जैसा कि बात कर सकते हैं, अभी 2 के कंफर्म हो गया लिटरेसी रेट पे। जून 2021 के करंट अफेयर्स से टेम्पल्स का एक क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन थे, टॉम का लेके कि टॉम कहाँ बनना है, ये क्वेश्चन थे यहाँ पे। अब इसका मतलब दिल्ली जीके आ रही है ऐसा नहीं है, ये मत सोचने बैठ जाना कि दिल्ली का पेपर है तो दिल्ली जीके आ रही है, नहीं, ये जो दिल्ली सल्तनत है ये नेशनल लेवल की जीके है, ये दिल्ली उसमें कवर होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था, ये ऐसा नहीं सोचना कि दिल्ली जीके के क्वेश्चन आए। मैथ सेक्शन में SICI का बेस था, ट्रिकी था मैथ, मेंसुरेशन SCF LCM था, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन थे, इंग्लिश ईजी थी, 2 पैराग्राफ इंग्लिश में थे, फिलर्स थे ईजी थे वो भी, और PQRS भी थे यानी कि रीअरेंजमेंट वाली चीज़, वो तो जैसे जनरली आती ही है वो तो थी ही थी। अभी अभी टॉपिक से जो क्वेश्चन सेंटेंस सही या गलत है उस ये भी थे, एंड 2 पैराग्राफ थे ओवरऑल हिंदी इंग्लिश में, एंड टाइम मैनेजमेंट जरूरी है अदरवाइज हिंदी तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, वो भी अपने साथियों को आगाह कर रहे हैं कि भाई अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना, नहीं तो हिंदी तक नहीं पहुँच पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूँ, अगर मैथ्स के 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ने पड़े तो छोड़ देना, हिंदी के 15 क्वेश्चन ना छोड़ के आना, ठीक है, कहीं ऐसा मत कर देना हिंदी आपने पढ़ी ना और मैथ छोड़ के हिंदी में पहुंच गए हो, आनी चाहिए आपको हिंदी, तभी तो हिंदी के अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे, इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3-4 पजल थी, बट सिंपल थी, क्लॉक कैलेंडर नहीं आया, कल क्लॉक के क्वेश्चन आए थे, आज क्लॉक नहीं आया, बाकी सेम मैथ्स 4-5 क्वेश्चन थे, कौन सिलेंडर स्फीयर हेमिस्फीयर, एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था CISI, 2 क्वेश्चन एवरेज स्पीड, टाइम
दो तीन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, दो तीन सिंप्लीफिकेशन का था, ट्रेन का था, एवरेज का था, ठीक है। जो ये एवरेज है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछे गए थे, बोला गया था टाइम दे रखा है, एक दो क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन ये था कि एक टाइम से निकलते हैं, अलग अलग टाइम से निकलते हैं, दोनों कब मिलेंगे, यानी यू एससीएफ का क्वेश्चन था, तो यहां से एलसीएम एससीएफ के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये हमारी बातें आई हैं, और कुछ एक और, हाँ जीके की कुछ बातें कर लेते हैं भाई, जो रिव्यू दिया है, गांधी के 150 वर्ष कब हो रहे हैं महात्मा गांधी के, कुचिपुड़ी, ठीक है, कामाख्या मेला, असम, वेस्ट बंगाल, न्यू ईयर, पीएम जनधन योजना। देखो मैंने बहुत बोला है कि भाई जो भारत की स्कीम है, भारत सरकार की जो स्कीम्स है, इनिशिएटिव है, वो 2014 से लेकर अभी तक का कभी कभी पूछ सकते हैं, उसकी डिटेल कब लागू हुआ, किस जगह लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, सारी डिटेल वो पूछ सकते हैं। 2021 में इसराइल की कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन करा, यानी कि करंट अफेयर्स आपका 2021 का आ रहा है, तो आगे शिफ्ट वाले जो साथी है वो आगा हो जाए, 2022 छोड़ के 2021 अपना अगस्त तक की करंट अफेयर, लास्ट के 6 महीने कम से कम 2021 के आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। मोनाजाइट सॉइल में कौन सा ओर है, ये जो सॉइल और ओर के बारे में क्वेश्चन था। इंग्लिश अगेन देखो इजी बोला गया, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में चेंज करने टाइप क्वेश्चन थे, एक पैरा लेंथी एक पैरा शॉर्ट था, दो पैराग्राफ थे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये मेरे तरफ से एनालिसिस था, मेरी तरफ से जो बात थी कि जो मैं इस चीज का निचोड़ निकाल सकता हूँ वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि किस तरीके की आपको स्टडी करनी है, मेन फोकस क्या है, करंट अफेयर 2021 का फोकस करना है आप लोगों को। दूसरा, मेंसुरेशन के आपको सारे फॉर्मूले याद करनी है। तीसरा, अगर मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके 2-3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। चौथी रही बात, हिंदी इंग्लिश को स्ट्रांग कर लो ताकि आपके कम से कम क्वेश्चन गलत हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। जीके में जो लिमिटेड चीजें आप लोग कर सकते हो वो करो, पॉलिटी कर सकते हो अभी भी टाइम है कर लीजिए, आर्टिकल अमेंडमेंट। दूसरा, हिस्ट्री कर सकते हो थोड़ी बहुत तो वो कर लीजिए, नहीं तो फिर डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, फेयर है, और लैंग्वेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो कर लीजिए, आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो आप अगर मेरे से कोई गलत बात बताई गई हो तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से, कि कोई अगर साथी जो आज एग्जाम दे के आया और उस वो वीडियो देख रहा है तो जरूर इस वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को याद है, ताकि बाकी के साथियों को थोड़ी हेल्प हो सके किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो औरों को क्यों बताऊं, कभी कोई एग्जाम में आपकी शिफ्ट बाद में हो सकती है, तब भी आप इसी तरीके से इंतजार कर रहे होगे कि कोई हमें बता दे कि किस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, तो ऐसे बताते चलो, कोई गलत नहीं होता, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, सफलता उसी को मिलती है जिसने मेहनत करी होती है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात कल होगी, आज जैसे रीजनिंग की वीडियो डाली, कल मैथ्स की वीडियो भी डालेंगे, प्रैक्टिस सेशन की, हो सकता है इंग्लिश और हिंदी की भी वीडियो डाल सके, और एक एनालिसिस वीडियो तो रात में कल भी आएगी ही, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।